हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड आई एम वंस अगेन जॉइंड बाय फुटबॉल कमेंटेटर, एमसी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मेनी अदर थिंग्स, अनंत त्यागी। वेलकम बैक। थैंक यू। तारीफों के पुल बांधना तो कोई आपसे सीखे रक्षित, एंड होपफुली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी डूइंग अबाउट द 11 प्लेयर्स दैट वी आर गोइंग टू पिक इन दिस गेम बिटवीन फ्रांस एंड बेल्जियम, जिसमें पलड़ा फ्रांस का भारी लग रहा है। बिल्कुल, दिस इज नॉट लाइक द मेन्स वर्जन जिसमें फ्रांस और बेल्जियम एक्चुअली एक काफी इवनली मैच हो सकता है, ऑल्दो फ्रांस आर स्लाइटली द बेटर टीम। बट विमेन्स गेम में अनंत, फ्रांस और बेल्जियम के बीच में एक काफी बड़ा गैप है। बेल्जियम आर रैंक 19th इन द वर्ल्ड जबकि फ्रांस आर रैंक 3rd इन द वर्ल्ड। पहले बात करते हैं फ्रांस की। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज अगेंस्ट इटली। 5-1 दे कंप्लीटली ब्लू देम अवे इन द फर्स्ट हाफ। 5 गोल स्कोर करे फर्स्ट हाफ में, वाज क्रूज कंट्रोल इन द सेकेंड हाफ। बताएंगे आप फ्रांस क्यों नहीं जीतेगी यूरोस? एक सिंपल सा रीजन है कि उनके लिए प्रॉब्लम क्या आ सकती है, और आई थिंक हमने ये पिछली बार भी डिस्कस किया था जब हम फ्रांस और इटली का प्रीव्यू कर रहे थे रक्षित, जो जिन्होंने देखा उनको शायद याद भी होगा कि देयर आइदर फेस नेदरलैंड्स और स्वीडन डिपेंडिंग ऑन हु फिनिशेस टॉप और सेकंड इन दैट ग्रुप, एंड ऑब्वियसली फ्रांस आर लुकिंग टू फिनिश टॉप। और जो हमने टॉक्सिक एटमोस्फेयर की बात की थी, जो कि थोड़ा उनके कोच की वजह से और उनके अनसर्टेन डिसीजंस की वजह से थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है, लेकिन आप उनका अगर वो विनिंग स्ट्रीक देखें 15 मैचेस का, जिसमें उन्होंने बतेरे गोल्स मारे हैं और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंट अटैकिंग शैंपेन फुटबॉल खेली है, तो समझ में नहीं आता कि दिस फ्रांस टीम इज एक्चुअली नाउ हैज गॉट एन अंडरडॉग स्टेटस, अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंच टीम्स जो फेवरेट्स की तरह जाती हैं टूर्नामेंट में। तो रोकने के लिए सिर्फ उनको वो खुद ही रोक सकते हैं या फिर नेदरलैंड्स और स्वीडन की चुनौती रोक सकती है अगले राउंड में। Absolutely, जैसे आपने मेंशन किया 15 मैच विनिंग स्ट्रीक जिसमें 67 गोल्स उन्होंने स्कोर करे एंड सिर्फ 6 गोल्स कंसीड करे, सो अटैकिंग वाइज दे आर एन एब्सोल्यूट बीस्ट। बेल्जियम की बात करते हैं अनंत, उन्होंने एक 1-1 ड्रॉ पिकअप किया लास्ट मैच में अगेंस्ट आइसलैंड। आइसलैंड आर अ गुड टीम, आई थिंक दे आर अ टीम जो डिफेंसिवली काफी सॉलिड है, सो आइडियली बेल्जियम को मैच जीतने की जरूरत थी अगर उनको नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करना था। बट इफ दे पिकअप समथिंग टुनाइट, देन उनके आई थिंक क्वालिफिकेशन होप्स काफी बूस्ट होंगे। सो क्या चांस देते हैं आप बेल्जियम को ऑफ कॉजिंग अ मैसिव अपसेट आज के मैच में? यू नो, एक्चुअली बेल्जियम को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए और शायद उनके कोच को भी कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इस टूर्नामेंट से, बिकॉज उनके कोच जहां तक मैंने देखा सबसे ज्यादा लंबे टेन्योर के साथ इस यूरोज में आए, ऐसा कोई और कोच नहीं है पूरे विमेन्स यूरोज में जिन्होंने इतना समय एक टीम के साथ बिताया है। तो उसको, और क्योंकि वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी हैं तो काफी सारे फैसले उन्हीं के हाथ में आते हैं, वो अच्छा करें या बुरा करें वही डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक बेल्जियम, आर दे जस्ट हैप्पी पार्टिसिपेटिंग, यू नो, वो ऑल्सो रैंस के बारे में जब हम बात करते हैं, और दे वांट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड। अगर वो अगले राउंड में पहुंचना एक अचीवमेंट समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है इस मैच में भी। अगर वो एक्चुअली फ्रांस की राइवलरी को देखते हुए, जो कि मेन्स फुटबॉल में है, इस मैच को अप्रोच करेंगे तो देन दे शुड टर्न अप, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट दे एस्टिमेट ऑफ देमसेल्व्स, एंड आई थिंक बेल्जियम आर येट टू फाइंड आउट हु दे आर ऑल अबाउट। एब्सोल्युटली, और थोड़ा स्केरी प्रोस्पेक्ट ये है अनंत की आइसलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 23 शॉट्स फेस करे थे, सो आई शडर टू थिंक कि फ्रांस के अगेंस्ट वो कितने शॉट्स फेस करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट देयर डिफेंस वर्सेस द फ्रेंच अटैक। एक और चीज बिफोर वी गो टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की, अगर आप हेड टू हेड देखेंगे इन दोनों टीम्स का, 3 मैचेस खेले हैं इन दोनों टीम्स ने, फ्रांस ने पिकअप करी है 3 विंस एंड 0 विंस एंड 0 ड्रॉस, बेल्जियम एज वेल। सो शुरू करते हैं अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन बनाना। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स। अनंत त्यागी, हु आर योर फॉरवर्ड पिक्स फॉर दिस मैच? यार पिछला मैच देखेंगे और हमने जिस तरीके से कटोटो की बात की थी, हमने कहा था बैलन डॉर कैंडिडेट हैं अगर वो फ्रांस के लिए यूरोस जीत जाती हैं। गोल उन्होंने एक ही मारा, बट जस्ट हर प्रेजेंस इन दैट बॉक्स इज स्कैरी। मुझे ऐसा लगता है कि कटोटो को अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा मिला है, बिकॉज याद करेंगे कि वर्ल्ड कप जो फ्रांस ने खेला था उसमें वो स्क्वाड में भी नहीं थी, जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, और उसका उनको इतना बड़ा झटका लगा कि देन शी परफॉर्म्ड इवन बेटर before the start of these Euros. अब वो एक गोल आ गया है तो जैसे कहते हैं ना, monkeys off the back now. So now all she has to do is just build on that. I still think she is one of the best players in the Euros. वो एक जो है वो 2 या 3 भी हो सकता है come the match against Belgium. So definitely my first pick would be Katoto. But apart from that, and this is something that we debated and discussed a lot last time, Rakshit, हमने सोचा था यार डियानी को ले
या ना लें, क्या वो स्टार्ट करेंगी या नहीं करेंगी, बिकॉज देयर कोच इज सो अनसर्टेन, तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किसको खिलाएंगी. डियानी शुड बी वन ऑफ द डेफिनेट पिक्स इन योर फैंटेसी 11, क्योंकि अगर वो स्टार्ट करती हैं तो वो फर्स्ट और सेकंड गियर में खेलती नहीं है, वो थर्ड फोर्थ गियर में सीधे आ जाती हैं. यही उन्होंने दिखाया था पिछले मैच में भी अगेंस्ट इटली, अगेंस्ट एन इटालियन साइड, नॉट वेरी इजी टू डू, बट यू कुड सी अपार्ट फ्रॉम हर लवली ब्लू स्ट्रीक्स इन हर हेयर दैट शी वाज द मोस्ट विजिबल प्लेयर ऑन द पिच फॉर ऑल द राइट रीजंस, क्योंकि वो कमांड करती है, शी कैन टेक ऑन अपोनेंट्स, शी कैन पुट इन क्रॉसेस, वो 18 यार्ड बॉक्स में जाती हैं, शॉट्स ले सकती हैं और सेटअप कर सकती हैं दूसरे प्लेयर्स के लिए. तो डियानी को डेफिनेटली पिक करना चाहूंगा मैं इस बार उनकी क्रॉसिंग एबिलिटी, उनकी चांस क्रिएशन एबिलिटी के लिए, और होपफुली कटोटो गोल मारेंगी. तो ये तो मेरी दो पिक हैं, बट आई थिंक यू आर गोइंग विद समबडी डिफरेंट टू दिस. एब्सोल्युटली. सो उससे पहले ब्रीफली बात करना चाहूंगा मैं डियानी की. वी गॉट वेरी लकी अनंत की उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गोल और असिस्ट के मामले में. यहाँ पे आई थिंक एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है आई टेस्ट और स्टैट्स के बीच में. Because she did not score, she did not get an assist. But अगर किसी ने वो मैच देखा होगा, they would have seen कि Diani was absolutely terrorizing the left back of Italy. And I think she is due in this match. So I think Anand, that is an absolutely brilliant pick. मेरी third pick है is Delphine Cascarino. Lyon में खेलती हैं. Arguably उन्होंने goal of the tournament अभी तक score किया है. What a strike that was in the last match against Italy. अगर आपने नहीं देखा है, तो please go and check out the highlights. Now she's someone जिन्होंने 3 goals and 5 assists contribute करे थे in the World Cup qualifiers, और सिर्फ कटोटो ने ज्यादा goal contributions करे थे World Cup qualifiers में for France. So I think जो पूरा French frontline है इन तीनों players का, Diani, Katoto and Cascarino, have the potential to absolutely murder this Belgium team. जरूरी नहीं है तीनों contribute करेंगे, but I think potential जरूर है इन दोनों players में कि they can do well. एक और छोटी सी चीज मेंशन करना चाहूंगा, एंड दैट इज अबाउट द बेल्जियन फॉरवर्ड वुलार्ट. नाउ वुलार्ट इज समवन जो बाय फार बेस्ट कंट्रीब्यूटर थी बेल्जियम की इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. अनंत, 15 गोल्स एंड 10 असिस्ट, और शी इज समवन जिनको हम नहीं पिक कर पा रहे हैं अपनी टीम में बिकॉज हम फ्रांस को बैक करें इन दिस टीम. बट अगर आप एक रिस्क टेकर हैं, मे बी आप डियानी या कैस्करिनो को ड्रॉप करके वुलार्ट को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं. सो आई थिंक वी शुड गो ऑन एंड फोकस ऑन द मिडफील्डर्स नाउ. अनंत, आपके कौन से मिडफील्ड पिक्स हैं फॉर दिस मैच? जस्ट बिफोर दैट आई हैव टू अग्री विद यू विद द फॉरवर्ड पिक्स ऑफ यू नो गोइंग विद अ फुल फ्रेंच अटैकिंग लाइन, क्योंकि हमने देखा नॉर्वे में क्या हुआ, राइट? उनके पास दो बेहतरीन प्लेयर थे, ग्रेम हैंसन और हेगेबर्ग, लेकिन इंग्लैंड ने जो है उनके साथ क्या किया, उनका क्या हशर किया, ये पता चलता है. तो अगर दूसरी टीम इतनी स्ट्रांग है तो आपकी गोल स्कोरिंग ज्यादातर चांसेस आने वाली हैं उसी टीम से जो कि हमें लग रहा है फ्रांस से. तो जस्ट टू चेंज द फ्लेवर एंड जस्ट टू रिमाइंड एवरीबॉडी कि इस मैच में बेल्जियम भी खेलने वाली है, आई विल स्टार्ट विद द बेल्जियन मिडफील्डर. शी प्लेज अ फुटबॉल फॉर रेडिंग, उनका नाम है जस्टीन वैन हैवरमैट. 3 goals and 4 assists in the क्वालिफायर्स फॉर जस्टीन हैवरमैट. तो काफी रेपुटेशन के साथ वो वैसे भी आ रही थी, और पिछले मैच में कुल मिला के अगर हम उनके टैकल्स और इंटरसेप्शन पॉइंट्स की बात करें तो यू नो शी गॉट अ टोटल ऑफ 5, सो प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स टू बी ग्रैब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दोस टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस. शी इज आल्सो ऑन पेनल्टी ड्यूटीज एज शी शोड, सो वो एक बहुत ही की फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर पेनल्टी लेने के लिए बेल्जियम को कोई चांस आ जाता है, एंड इट कुड हैपन इन अ बिग गेम लाइक दिस, सडनली यू कैन गेट एन ओपनिंग थ्रू अ पेनल्टी, देन वैन हैवरमैट कुड गेट यू दोस पॉइंट्स. सो दैट वुड बी माय फर्स्ट पिक फ्रॉम द मिडफील्ड. व्हाट अबाउट यू? Yeah, Van Havermaet is a great pick, of course. Penalties are very, very crucial in deciding ki kaun se player aapko pick karne chahiye, because so many goals are happening, so many fouls are happening. And on an average, main dekh raha hu, ek penalty to har match mein mili jati hai. So that's a great pick. Agar main apni do midfield picks ki baat karunga, first we have to talk about Grace Guerreiro, jinhone last match mein hat-trick score kari thi. Obviously, bahut sare players inhe pick karenge. Now, she's someone jinke upar humne anand bahut zyada focus nahi kiya tha. And rightly so, I would say, because unhone लास्ट 6 इयर्स में सिर्फ 8 गोल स्कोर करे हैं, 6 साल में 8 गोल और इस मैच में हैट्रिक, दैट इज हाउ फुटबॉल वर्क्स. बट ये मेरा बताने का पॉइंट इसलिए था बिकॉज डू नॉट एक्सपेक्ट हर कि वो हर मैच में गोल स्कोर करेंगी. शी वॉज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ऑल द बॉल्स फेल टू हर, शी वॉज इन फॉर्म, एंड उन्होंने काफी अच्छे फिनिशिंग अपनी डिस्प्ले करी इन द लास्ट मैच. बट शी इज नॉट समवन जो एक प्रोलिफिक गोल स्कोरर है. सो आई वुड स्टिल से, ऑल्दो बहुत लोग उन्हें पिक करेंगे, हमने भी पिक किया है बिकॉज शी वॉज प्लेइंग सो गुड, उनकी फॉर्म इज सो गुड, बट डू नॉट एक्सपेक्ट हर टू स्कोर हीप्स ऑफ गोल्स इन एवरी मैच. ये मेरा सिर्फ एक सजेशन होगा फैंटेसी प्लेयर्स को. इनकी जगह अगर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं, मे बी समवन लाइक टोलेटी
को आप अपनी yes. टीम में पिक कर सकते हैं, बिकॉज शी इज समवन जो मुझे काफी इंप्रेस किया था, उन्होंने 5 टैकल और इंटरसेप्शन पिकअप करे थे, शी इज ऑल्सो समवन जिन्होंने 5 असिस्ट दिए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, एंड इवन लास्ट मैच में भी असिस्ट दिया था, शी इज ऑल्सो ऑन फ्री किक्स एंड कॉर्नर्स फॉर फ्रांस। सो अगर आप एक रिस्क टेकर है, मे बी गयोरो की जगह टोलेटी को आप पिक कर सकते हैं इन योर कॉम्बिनेशन। एंड मेरी तीसरी मिडफील्ड पिक है डिकाइनी, ये एक प्लेयर है जिनके बारे में वंस अगेन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, बट शी समवन जो हॉफनहाइम में खेलती है, एंड अगर आप वुलार्ड को हटा दें, शी वॉज द मेन रीजन वाई बेल्जियम क्वालिफाइड फॉर द यूरोस, 10 गोल्स एंड 2 असिस्ट इन द क्वालिफायर, सो आई थिंक वो बहुत बड़ा पार्ट थी ऑफ बेल्जियम स्टोरी ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द यूरो। सो आई थिंक मे बी अगर बेल्जियम स्कोर करती है, और स्पेशली कंसिडरिंग कि हमने वुलार्ड को पिक नहीं किया है, डिकाइनी समवन जो मे बी आपको गोल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है इन दिस पर्टिकुलर मैच। सो लेट अस अनंत गो एंड टॉक अबाउट द डिफेंडर्स, आपकी मेन डिफेंसिव पिक्स कौन है इन दिस मैच? मेरी मेन डिफेंसिव पिक वही है जो पिछली बार थी फ्रांस के लिए, और वो है उनकी फुटबॉलिंग आइकॉन वेंडी रेनार्ड, और उनके आगे और उनके ऊपर देखना इसलिए भी मुश्किल होता है बिकॉज अगर किसी ने 15 लीग टाइटल 8 यूरोपियन कप जीते हो तो बताता है कि वो किस तरह की वैल्यू लेके आती है किसी भी टीम के लिए, लेट अलोन अ फैंटेसी टीम। एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज हैं, शी इज अ लीडर एट द बैक फॉर फ्रांस। हम उनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन डिफेंस को स्थिरता देना और मिडफील्ड को कॉन्फिडेंस देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वेंडी रेनार्ड की होती है। शी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यू नो नॉट जस्ट स्टेइंग ऑन टॉप बट ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग, तो यही रीजन है कि उनका करियर इतना बढ़िया और इतना सुनहरा रहा है। एंड आई थिंक वेंडी रेनार्ड, अगर फ्रांस को ये टूर्नामेंट जीतना है, as they say defense wins you titles, Wendy Renard is going to be key not just in this game but also going forward. So Renard to hamesha hi meri French team mein hongi jabhi bhi main fantasy team banaunga women's euros ke liye. What about you? Renard ke liye ek aur important cheez ye hai ki she is on penalties for France, so bahut rare hota hai ki koi defender penalties leta hai apni team ke liye. So do picks hai meri, ek hai Karchaoui jo ek full back hai basically for France, she is someone jinhone 4 असिस्ट पिकअप करे थे, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टैकल इंटरसेप्शन इनके नंबर्स वर वेरी वेरी हाई। लास्ट मैच में भी इन्होंने एक असिस्ट पिक किया था, एंड फ्रेंच वर एब्सोल्युटली बॉम्बार्डिंग द इटालियंस इन द लास्ट मैच, सो उनके जो दोनों फुल बैक्स थे वो काफी अप द पिच ऑपरेट कर रहे थे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग इन दिस मैच। दैट्स व्हाई पेरिसे इज माय सेकंड पिक, बिकॉज शी इज ऑल्सो समवन जो इतनी प्रोलिफिक नहीं है जितनी खर्चा हुई है, बट आई थिंक शी इज समवन जो मे बी आपको असिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकती है एंड मे बी चांसेस क्रिएट कर सकती है फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो अनंत, लास्ट डिफेंसिव पिक कौन है आपकी इस मैच के लिए? यार, आई विल गो विद जोडी वैन हिल लवर। आई नो द प्रोनंसिएशंस ऑफ सम बेल्जियन प्लेयर्स कैन बी वेरी ट्रिकी, बट वैन हिल लवर ढूंढिएगा उनको आप डिफेंस में तो आपको मिल जाएंगी। 24 साल की हैं वो, 11 टैकल्स और इंटरसेप्शंस पिछले मैच में जो उन्होंने पॉइंट्स दिलाए हैं उसके चलते उनको ना सेलेक्ट करना आई थिंक इज एनीवे वेरी 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 डिफिकल्ट। आई थिंक मोर देन एनीथिंग she has this ability of bombing forward and she can certainly, I mean the most important thing is that agar aapko belgium ki team mein kahin se ek spark dhoondni hai to left channel ki taraf aap thoda sa dhyan denge aur I think jodi van hill lover usme kafi kargar sabit hoti hai, to unko apni team mein lijiye apart from rakshit's 2 picks and don't miss wendy renard please, absolutely no chance so anand, one spot left, that is the goalkeeper, but I think you have a little bit to say about the goalkeeping pick, so kaun hai goalkeeper hamari team ki? तो पिछले मैच में बेल्जियम आइसलैंड से खेले थे, आइसलैंड ने एक्चुअली फर्स्ट हाफ में पेनल्टी मिस की थी और जो प्लेयर थी उनका नाम था थॉवल्स डॉटिर, अनदर वेरी डिफिकल्ट नेम टू बी प्रोनाउंस बट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेनल्टी टू बी सेव फॉर निकी एवराड, बट शी विल बी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने वो पेनल्टी सेव की, इसलिए निकी एवराड उस कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में आएंगी। वो ज्यादा बिजी भी रहेंगी, रक्षित बता चुके हैं आपको कि फ्रांस ने किस तरीके से बॉम्बार्ड किया इटली को, आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन दैट अगेंस्ट बेल्जियम, स्पेशली आफ्टर वॉट आइसलैंड डिड टू बेल्जियम जो रक्षित ने आपको स्टैट्स में बताया था। तो एवराड विल बी द बिजियर गोलकीपर, एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास, 50 से ज्यादा बार अपनी कंट्री के लिए वो खेल चुकी हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है जब एक बहुत स्ट्रांग टीम होती है जो इतनी हावी होने वाली है तो आप जनरली ऑपोजिशन गोलकीपर से ज्यादा पॉइंट्स की उम्मीद रखते हो, एंड आई थिंक एवराड कुड गेट यू मोर पॉइंट्स, सो फील फ्री टू टेक हर फ्रॉम द बेल्जियम टीम। एब्सोल्युटली, वंस अगेन अगर आपको लगता है कि बहुत लो स्कोरिंग मैच होगा, लेट्स से 1-0 फ्रांस, 2-0 फ्रांस, देन मे बी आप उनके पूरे डिफेंस को पिक कर सकते हैं इंक्लूडिंग द गोलकीपर, बट अगर आपको लगता है कि 3 और मोर गोल स्कोर होंगे, डेफिनेटली गो फॉर बेल्जियम्स गोलकीपर।
अब चलते हैं एंड टॉक अबाउट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। If I were to pick a risky option, मैं आप ही से थोड़ा सा यहाँ पे हिंट लेके सैंडी टोलेटी को पिक करना चाहूंगा। अ प्ले मेकिंग मिडफील्डर जैसे उन्हें कहा जाता है ना, she's got the ability to do both the jobs। वो मतलब अटैक जो दूसरी टीम का है उसको ब्रेक भी कर सकती है और अपने अटैक को लिंक अप करने की भी उनकी जिम्मेदारी जो बनती है उसको बखूबी निभाती है। वन ऑफ द अनसंग हीरोज इन द फ्रेंच मिडफील्ड, जहाँ पे यू नो कटोटो और डियानी और गयोरो इन द लास्ट मैच जैसे लोग सुर्खियां बटोर जाते हैं, यू सी टोलेटी ने इतने सारे मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर करके इतने सारे आपको पॉइंट्स दिला दिए एंड यू डिडंट इवन रियलाइज दैट शी वाज ऑन द पिच। दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर शी वाज। एज ग्रुप फुटबॉल से उठ के आई है फ्रांस में, तो शी इज बीन अ वाइटल कॉग इन ऑल द एज ग्रुप टीम्स फॉर फ्रांस। आई रिमेंबर शी वाज नेम्ड द यूएफए गोल्डन प्लेयर इन द अंडर 17 वुमेन्स चैंपियनशिप एज वेल बैक इन द डे। सो She's been a consistent performer, और consistency की वजह से वो fantasy team में होनी चाहिए अगर आपको एक risky pick लेनी है। I think that's a wonderful pick and I really hope कि मैं अपनी fantasy team में Toletti को fit in कर सकूं। अगर अनंत मैं अपनी pick करूंगा high risk high reward, I'll go for the other fullback which is Belgium की other fullback Davinia Philtiens। Now she is someone जिनके tackle interception numbers सिर्फ वैन हेलोवर ने एक्सीड किए थे, तो 6 टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स पिक किए थे। नाउ ऑब्वियसली हर मैच में एक डिफरेंट सिनेरियो होता है एंड आई थिंक शी इज समवन जो मे बी विल बी अप अगेंस्ट डियानी, सो उनको मे बी ज्यादा चांस मिलेगा उनको टैकल करने का बिकॉज डियानी इज वेरी वेरी डायरेक्ट एंड मे बी उनके साथ जब हेड टू हेड उनको होगा शी गेट मोर चांसेस टू गेट दोज टैकल्स एंड इंटरसेप्शन इन। सो आई थिंक Philtiens इज माई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। So Anand, we are almost done with the preview. एक चीज बची है, scoreline preview, a prediction for this match. Scoreline prediction, भाई, fingers crossed करके, I do not see Belgium scoring in this. Maybe if they win a penalty, then you know that could be an outlet for them. But open play से मुझे नहीं लगता कि वो Wendy Renard के defense को ज़्यादा disturb कर पाएंगे. Which means Nicky Everard is going to be a very busy goalkeeper. Saves करेंगी, लेकिन goal भी खाएंगी. तो 4-0 to France for me. What about you? I think मेरा एक थोड़ा alternate view है। I think Belgium wanted to win that match against Iceland। उनको पता था उनको match जीतना जरूरी था। So I think वो थोड़ा और attacking approach के साथ गई थी in that match। So उनका defense थोड़ा open था। Similarly अगर आप Belgium perspective से बात करेंगे तो they must have seen कि France they totally ripped Italy apart। So I think Belgium बहुत defensively set up करेगी। I think वो ज़्यादा adventurous नहीं होंगे going forward। France may find it difficult to break them as compared to let's say जो Italians के against उन्होंने किया था। I may be totally wrong, but मैं एक 2-0 France win के लिए जाऊंगा in this match। Don't see 4-5 goals, but of course अगर first goal जल्दी score करती है France, it could be an absolute annihilation in this particular match। Let's see what happens। Thank you once again for joining me, Anand Tyagi on View Sports Scouts। We'll be back once again very very soon। Thank you all for watching as well। All the best for this match। Stay safe and I will see you soon। Cheers, guys.